हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट सीखे ट्रिक। तो दोस्तों, आज फिर से हम आप लोगों के लिए उपस्थित हैं और आज हमारा जो है कि भारत की मिट्टियों का सेकंड क्लास जो है कि होने जा रहा है। फर्स्ट क्लास चूंकि आप लोगों को कल मिल चुका होगा और उम्मीद भी करता हूं कि वो काफी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि एक ऐसा क्लास जिसमें बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की बातें की जाती है, उस तरह की क्लास में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपकी सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित होती है, साथ साथ जो आपकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि है उस पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इन सारी चीजों को अगर मैं देखते हुए ये कह सकूं आप लोगों से कि अगर आप लोग मेरा क्लास देख रहे हैं तो निश्चित ही आपको इसका फायदा होगा, आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल जो पेपर है ना वो सीधे ये नहीं हो रहा है, जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना डायरेक्टली आपको नहीं पूछ लिए जा रहे हैं कि ये मिट्टी किस कलर की होती है, इसका कारण क्या है, थोड़ा सा उसको घुमा के पूछा जा रहा है, क्योंकि उसको मॉडर्न किया जा रहा है क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा अगर आप लोग जो है कि चीजों को सारे चीजों को पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को समझ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज, जैसा कि मैंने कल बात किया था कि मैं बात करूंगा मिट्टी का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में हम बात करेंगे, तो उसी का आज क्लास है हमारा। चूंकि आज के पूरे क्लास में मैं ये सारी चीजें खत्म कर दूंगा, भारत की मिट्टियों को भी खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है उसके बारे में। तो पहला आता है हमारा रंग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कलर के आधार पर हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका रेड सॉइल, यानी कि लाल मृदा की अगर मैं बात करूं वो आता है, आपकी पीली मृदा आती है, फिर काली मृदा आती है, फिर आपकी धूसर मृदा आती है और बहुत सारे और भी मृदा है जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्व नहीं रखते हैं, लेकिन ये सारे जो है कि लाल मृदा, पीली मृदा और काली मृदा जो है आपके अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि अपना रोल अदा करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो रेड मृदा होती है इसमें क्या होता है प्रचुर मात्रा में, तो आयरन ऑक्साइड होता है। क्या है मेरे मेरे प्यारे दोस्तों? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, क्या अधिकता के कारण अगर मैं बात करूं तो इसका जो कलर होता है वो रेड होता है। किसके कारण? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका क्या होता है कि रंग जो है आपका लाल होता है। लेकिन जैसे जैसे ही क्या होता है कि अगर वर्षा होती है तो वर्षा के कारण क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो है कि धीरे धीरे निचालित होकर नीचे वाले भागों में चली जाती है। जब नीचे वाले भागों में चली जाती है तो उसके बाद से क्या होता है कि जिस मिट्टी में जो है कि आपकी आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है आपकी कम होती है, क्या होती है, कम होती है। जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो उस मिट्टी को हम बोलते हैं पीली मिट्टी। क्या बोलेंगे? पीली मिट्टी, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है आपकी कम हो जाती है उसको पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से आता है आपका, अगर मैं बात करूं काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल की अगर मैं बात करूं, तो बेसाल्ट चट्टानों का अपरदन से आप लोग जानते हैं कि दक्षिण पश्चिमी भाग जो है भारत का उसमें सर्वाधिक मात्रा में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये मिट्टी सर्वाधिक जो है आपकी कपास के लिए उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए। और भी बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे मोटे अनाज वाली जो अगर मैं बात करूं, जैसे ज्वार वगैरह भी उगाई जाते हैं। तो काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसका रंग की अगर मैं बात करूं कि किसके कारण है, तो टाइटेनियम सॉल्ट आता है आपका, टाइटेनियम सॉल्ट। सॉल्ट की अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट मतलब होता है आपका नमक, यानी टाइटेनियम नमक के कारण क्या होता है कि इसका जो रंग होता है वो काला होता है। लेकिन अगर यहीं पे मैं कुछ और चीजों का बात करूं कि भारत में तो टाइटेनियम सॉल्ट के वजह से इसका रंग काला होता है, लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं विश्व में बहुत सारी काली मिट्टियों का प्रकार है, जैसे चेरकोजैन मिट्टी है। चेरकोजैन मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख सकता हूं चेरकोजैन ये मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका सर्वाधिक इसका विकास की अगर मैं बात करूं तो ये रूस में पाई जाती है। कहां पे? रूस की, रशिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पे। और ये भी काली मिट्टी का ही प्रकार है, लेकिन चेदोजन की अगर मैं बात करूं कि काला रंग होने का प्रमुख कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण ये है कि इसमें ह्यूमस, किसकी? ह्यूमस की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण इसका क्या है कलर आपका ब्लैक है। और हम लोग यहां पे देख रहे थे कि टाइटेनियम सॉल्ट के वजह से जो है कि इसका रंग क्या है, काला है। लेकिन यहीं पे देखिए थोड़ा कैसे
से परिवर्तन हो गया, आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो देखिए ह्यूमस की अधिकता के कारण भी इसका रंग जो है कि आपका काला है। किस मिट्टी की? चेरतोजैन की मिट्टी जो है आपकी, वो आपकी सर्वाधिक इसकी ह्यूमस की वजह से ये काला है। और भी अन्य मिट्टियां हैं, जैसे अगर मैं बात करूं उनकी, जैसे नॉर्थ अमेरिका में पॉटजॉल है, जैसे नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो पॉटजॉल मिट्टी है, और पॉटजॉल की अगर मैं बात करूं तो ये यूएसए की अगर मैं बात करूं नॉर्थ अमेरिका में, ये भी आपका काली मिट्टी का एक प्रकार है। क्या है? एक काली मिट्टी का प्रकार है जो वर्ल्ड लेवल पे है। अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जो है कि इसका भी जो ब्लैक कलर है वो किसी अन्य के कारण है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि एक यूरेशिया की अगर मैं बात करूं, यूरेशिया की अगर मैं बात करूं तो ये यूरेशिया में भी आपका जो है कि चेस्टनट, आप लोग सुने होंगे चेस्टनट, और इस चेस्टनट की बात करूं तो इस चेस्टनट का भी जो है कि कलर आपका थोड़ा सा ब्लैक से मिलता जुलता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो वर्ल्ड लेवल पे है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो आता है आपका जो सेकंड आता है, अगर सेकंड की मैं बात करूं, उर्वरा शक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो उर्वरा होता है, एक फर्टाइल होता है। क्या होता है? फर्टाइल होता है। दूसरा इनफर्टाइल होता है। अगर इनफर्टाइल की अगर मैं बात करूं तो देखिए उर्वरा क्या है आपकी, अगर मैं बात करूं उर्वरा जिस मिट्टी में अगर मैं बात करूं ह्यूमस की मात्रा क्या है, अधिक है। क्या है? जिस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक है वो आपकी क्या कहलाएगी? फर्टाइल मृदा कहलाएगी। और जिस मिट्टी में जो है कि ह्यूमस की मात्रा क्या है, कम है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा क्या है, अधिक है, तो उसको उर्वरा बोल दिए, फर्टाइल बोल दिए, और जिसमें जो है उर्वरा ह्यूमस की मात्रा कम है उसको इनफर्टाइल बोल दिए। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से तीसरा है बेसिक आपका कि रासायनिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका अम्लीय मिट्टी। क्या होता है? पहला आपका अम्लीय मिट्टी होता है, दूसरा आपका क्षारीय मिट्टी होता है। अम्लीय को एसिडिक सॉइल बोलते हैं, और क्षारीय मृदा को जो बोलते हैं हम लोग बेसिक जो है कि सॉइल बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी, अम्लीय मृदा की, तो अम्लीय मृदा की अगर मैं बात करूं, देखिए इसमें चूना की अगर मैं बात करूं, किसका? चूना। आप लोग जानते हैं चूना क्या होता है, चूना की लेक पाई जाती है, यानी कि कमी पाई जाती है। चूना की कमी पाई जाने के वजह से क्या होता है कि जहां पे वर्षा सर्वाधिक होती है, क्या होती है, वर्षा अगर अधिक होती है और चूना की मात्रा अगर कम है, तो एक बात बताइए आप लोग, चूना की मात्रा अगर कम है और वर्षा भी आपका अधिक हो रहा है, तो ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? अम्लीय मिट्टी का दर्जा देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा क्षारीय मृदा। देखिए क्षारीय मृदा की अगर मैं बात करूं, इसमें भी चूना की कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चूना की कमी पाई जाती है, और वर्षा भी आपका कम होता है। क्या होता है? वर्षा भी अगर आपका कम होता है तो ऐसी मृदा का विकास जो है आपका सर्वाधिक भारत में कहां देखने को मिलेगा? तो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना आपका, तो राजस्थान वाले क्षेत्र में ये सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है पेडकॉल। पेडकॉल आपकी एक मिट्टी है। क्या है पेडकॉल? पेडकॉल की अगर मैं बात करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पेड और प्लस सी ए एल। अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो पेड का मतलब आपको लोग जानते हैं कि क्या होता है? सॉयल। मैं बता चुका हूं पेडोलॉजी में सॉयल, और कैल्शियम ये हो गया आपका कैल्शियम। ठीक है, जिस मिट्टी में कैल्शियम की अधिकता हो और वहां पर वर्षा कम हो और चूना की भी मात्रा कम हो, वैसी मृदा को हम क्या बोलेंगे? आपका सैंडी सॉइल भी बोल सकते हैं उसको, अगर देखा जाए तो, क्योंकि बालू की मात्रा वो धीरे धीरे शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है वो मिट्टी, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं हो रही है। जब बारिश नहीं हो रही है तो वो मिट्टी शुष्कता में परिवर्तित हो जाती है, तो इसलिए उस मृदा को हम क्या बोलेंगे? क्षारीय मृदा। अब बात करते हैं अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो पेडोल्फर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक मिट्टी आती है पेडोल्फर की अगर मैं बात करूं तो पेडोल्फर शब्द से आप लोगों को याद करना है कि पेड प्लस, अगर मैं देखूं एल प्लस फर। ठीक है, यहां से पेड का मतलब हो गया सॉइल, और यहां से एल्यूमिनियम हो गया, और यहां से फेरस हो गया, यानी कि जिस मिट्टी में आपका
एल्मुनियम और फेरस की मात्रा अधिक होती है वैसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय मिट्टी यानी कि एसिडिक मिट्टी यानी कि एसिडिक सॉइल बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि यह वाली चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करूंगा किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल के आधार पर मैं बात करूंगा, कणों के गठन के आधार पर मैं बात करूंगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉइल्स। तो देखिए उसको समझिए कि बड़ी कणों वाली मिट्टी की अगर मैं बात करूं, जिसको कोर्स की अगर मैं बात करूं, कोर्स पार्टिकल सॉइल की, तो इसके बारे में देखिए जिस मिट्टी में जो है कि दानेदार रवेदार चीज होती है वैसी मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, आपका बड़ी कणों वाली मिट्टी। जैसे आपकी दोमट मिट्टी होती है वो बड़े कणों वाली मिट्टी होती है, तो उसको इसमें रख सकते हैं, कोर्स पार्टिकल सॉइल में रख सकते हैं। फिर मीडियम सॉइल यानी कि मीडियम सॉइल की अगर मैं बात करूं, मध्यम सॉइल की, इसको सिल्टी सॉइल भी बोलते हैं। सिल्टी सॉइल का मतलब ये हो गया आपका कि जैसे इस सॉइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें मध्यम कण होते हैं और इसमें सर्वाधिक मात्रा में गेहूं की खेती की जाती है, जबकि बड़ी कणों वाली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो ज्वार की जाती है। ठीक है, किसकी, ज्वार की जाती है। तो आशा करता हूं कि ये वाली, अब मैं छोटी मिट्टी की मैं बात करूं, फाइन पार्टिकल्स सॉइल की अगर मैं बात करूं, तो इस मिट्टी में, इस मिट्टी को चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इस मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही वर्षा होती है तो ये चिपचिपा हो जाता है, यानी कि जल धारण क्षमता इसकी क्या होती है, सर्वाधिक हो जाती है। और जब सर्वाधिक हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगी, इसमें किस तरीके की खेती की जा सकती है, तो इसमें जो खेती की जाती है वो कपास की खेती की जाती है सर्वाधिक। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वाली चीज भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पांचवा है आपका, अगर मैं बात करूं तो मृदा परिच्छेदिका के आधार पर, किसके आधार पर, मृदा परिच्छेदिका के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये एक वैज्ञानिक आधार विधि है, क्या है, यह एक साइंटिफिक बेस मेथड है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे वैज्ञानिकों के द्वारा जो है कि डेवलप किया गया और मिट्टी को चार परतों में, चार लेयर में बांटा गया, परत ए, परत बी, परत सी और परत डी, चार लेयर में इसको बांटा गया। अगर फर्स्ट लेयर की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेयर आपका जो है कि इसमें सर्वाधिक विकास जो है कि पेड़ पौधों का होता है, सर्वाधिक विकास आपका पेड़ पौधों का होता है। लेकिन इसके जो रूट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, रूट्स, जिसको जड़े बोलते हैं, इनकी जड़ें जो होती है ना, ये परत बी में इनका विकास होता है, क्योंकि परत बी में इसलिए विकास होता है क्योंकि इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और पोषक तत्व पाए जाने की वजह से जिससे ये अपना क्या कर लेते हैं, भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। चूंकि भोजन बनाने का कार्य तो सूर्य के प्रकाश के किरणों द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा पत्तियां लगती हैं। लेकिन अगर मैं वाटर की मैं बात करूं, किसका, वाटर का और मिनरल का, तो ये आपके रूट्स पहुंचाने का काम करते हैं पेड़ों को। तो देखिए परत ए को हम लोग बोलते हैं टॉप लेयर यानी ऊपरी हिस्सा यानी ऊपरी भाग, परत बी को हम लोग बोलते हैं उपमृदा, क्या बोलते हैं, उपमृदा, परत सी को हम लोग अच्छाई परत बोलते हैं, और परत डी को हम लोग आधार परत है, जनक परत, जिसको पेरेंट रॉक बोलते हैं हम लोग। और पेरेंट रॉक में जब बहुत जो उसका विघटन होता है, क्या होता है, विघटन होता है, विघटन होने के बाद से धीरे धीरे बहुत सारी मिट्टियों का निर्माण होता है, चूंकि मैंने कल के लेक्चर में ये बताया था तो आप लोग वहां से देख सकते हैं उसको। तो जनक परत इसको बोलते हैं यानी कि पेरेंट रॉक बोलते हैं इसको। ये परत ए यानी कि पेड़ पौधे, इसमें सर्वाधिक विकास होता है। परत बी इसमें जो है कि आपका उपमृदा है, जिसमें पोषक तत्व और मिनरल्स पाए जाते हैं। परत सी की अगर मैं बात करूं तो अच्छाई परत यानी कि चट्टानों का टूटा हुआ ये भाग होता है, यानी कि टूटे हुए टुकड़े से इसका निर्माण होता है। फिर परत डी जो है कि आपका जनक चट्टान होता है। अब उसके बाद से एक चीज समझना है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ कि वर्षा हुआ, तो वर्षा होने के कारण ये परत, जो परत ए है ना, ये क्या होती है, निछालन हो जाती है, निछालन होकर नीचे चली जाती है। फिर ये परत ए जो है कि परत बी का स्थान ले लेती है, परत बी परत सी का स्थान ले लेती है, परत सी परत डी का स्थान ले लेती है, और परत डी आपका जो है कि नीचे चली जाती है और ये आपका एक स्थान ले लेती है। तो इस तरीके से इसका विकास होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की मिट्टियों को अगर मैं बात करूं तो तीन वर्गों में रखा गया है। दुनिया की जितनी भी मिट्टियां हैं उनको तीन वर्गों में रखा गया है। पहला है आपका जोनल, दूसरा है ए जोनल, तीसरा है इंट्रा जोनल सॉइल। यानी कि पहला अगर मैं बात करूं कि जोनल सॉइल क्या होता है, तो जोनल सॉइल की अगर मैं बात करूं
तो इसमें जो है ये जो चारों लेयर है आपको जो यहाँ पे दिख रही है, ये चारों लेयर इसमें पाई जाती है किसमें, जोनल सॉइल में। किसमें, जोनल सॉइल में ये चारों लेयर पाई जाती है। जबकि ए जोनल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो ए जोनल सॉइल में आपका कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है, इसमें कोई भी लेयर नहीं पाई जाती है। और इंट्रा जोनल की अगर मैं बात करूं तो इसमें तीन परत या दो परत पाई जाती है, चूंकि निछावन की वजह से एक या दो परत आपकी जो है कि हट जाती है, और हट जाने के बाद से जो है कि इसमें दो या तीन परत बच जाती है, तो ये आपका इंट्राजोनल सॉइल हो जाता है। चूंकि ये बहुत ज्यादा डीप है, ये जो है कि आपका प्रीलिम्स या किसी भी वन डे एग्जाम का विषय वस्तु नहीं है, तो इस पर चर्चा ज्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस की विषय वस्तु है, तो इस पर ज्यादा चर्चा की बात हम नहीं करेंगे। तो केवल आप लोग जान लीजिए जोनल सॉइल क्या होता है, ए जोनल क्या होता है और इंट्राजोनल क्या होता है। मैं बता चुका हूं कि जोनल सॉइल में जिसमें चारों लेयर पाई जाती है, ए जोनल सॉइल में जिसमें कोई भी परत नहीं पाई जाती है, और इंट्राजोनल सॉइल की अगर मैं बात करूं तो इंट्राजोनल में दो या तीन जो है कि लेयर आपकी पाई जाती है। तो आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब भारत की मिट्टियों की अगर मैं बात करूं तो भारत की संपूर्ण मिट्टियों को 7 भागों में बांटा गया है, अब उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कि भारत की मृदा। अब भारत की मृदा को समझिए आप लोग, कि भारत की मृदा को 7 वर्गों में, यानी कि 7 वर्गों में इसको बांटा गया है। अब पहला इसमें आता है लावा काली या रेगुड़ मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आमतौर पे, जो है कि आपकी काली मृदा बोलते हैं, लेकिन इसका नाम जो है कि लावा है, लावा भी है, रेगुड़ मृदा भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसका निर्माण जो है आपका चट्टानों से हुआ है। किससे हुआ है, विशाल चट्टानों से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसको जो है कि क्या क्या इसमें पाया जाता है और क्या क्या इसमें कमी होती है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की जो है कि इसमें कमी होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन पोटेशियम और नाइट्रोजन पोटास और आपका फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है, और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं इस काली मृदा का, तो काली मृदा का जो है कि जल धारण क्षमता बहुत हाईली होती है, बहुत उच्च होती है, और जब ये सूखती है ना तो इसमें बहुत लंबी लंबी दरारें पड़ जाती हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इस मृदा में सर्वाधिक खेती जो होती है वो होती है आपकी कपास की, फिर होती है आपकी गन्ना की, फिर मूंगफली की। आप लोग जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम का अगर मैं बात करूं, भारत के दक्षिण पश्चिम भाग की अगर मैं बात करूं, जैसे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं या गुजरात वाले क्षेत्र की मैं बात करूं, तो इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि कालांतर में रीयूनियन द्वीप था। रीयूनियन द्वीप से क्या हुआ कि लावा का उद्भेदन हुआ, और लावा उद्भेदन होने के बाद से लाकर सीधे जो है कि आपका डक्कन वाले क्षेत्र में इस मिट्टी को पलट दिया, जिससे जो है कि अग्नेय चट्टानों के निर्माण, अग्नेय चट्टानों के क्षरण से क्या हुआ है कि इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस की कमी होती है, ह्यूमस की भी कमी होती है, सर्वाधिक जो है कपास का उत्पादन होता है, गन्ने का, फिर मूंगफली का, और हाईली मॉइस्चर ये जो है कि ऑब्जर्व करती है, ठीक है। इसलिए इस मिट्टी को जो है एक और नाम से जाना जाता है, स्वतः जुताई की मिट्टी भी इसको कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न जो बनते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में आजकल यहीं से बन रहे हैं कि स्वतः जुताई की मिट्टी किसको कहा जाता है, तो काली मिट्टी आपको आंसर लगा देने हैं। उसके बाद से आता है सेकेंड आपकी मिट्टी जो आती है, लाल खुली मृदा जो आती है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण उसको लाल कहते हैं, जब उसी में कमी हो जाती है तो उसको खुली मृदा कह देते हैं। तो इसमें भी जो है कि आपका एनपीके की कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है, लेकिन इसमें चूना जो है कि थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें सर्वाधिक खेती जो होता है वो मोटे अनाज का होता है। मोटे अनाज में आप लोग क्या समझ सकते हैं कि ज्वार की अगर मैं बात करूं, फिर बाजरा की मैं बात करूं, ये सारे मोटे अनाज है, और इस मोटे अनाज की खेती जो है कि आपकी लाल मृदा और पीली मृदा में की जाती है। लेटराइट मृदा, अगर लेटराइट मृदा की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि अधिकतम तापमान और वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, अधिकतम तापमान और वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, और ये जो है कि सर्वाधिक उपयुक्त जो मिट्टी है ना वो चाय की खेती के लिए है। किसके लिए है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जो वो चाय की खेती के लिए है। उसके बाद से आता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है कि नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। किससे हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, और पुराने जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं,
आपका पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर बोलते हैं, तो ये भी दोनों नाम आपको पता होनी चाहिए। और इसमें सर्वाधिक खेती जो होती है ना चावल गेहूं की होती है, और इसमें भी आपका नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस की कमी पाई जाती है और ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। अगर इसके अगर मैं क्षेत्र की मैं बात करूं कि इसका क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में कहां पे विकसित है, तो आप लोगों के पास शायद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों के पास जो है ये बुक होगी। और इस बुक की अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो है कि ये उत्तरी गंगा तटीय मैदान क्षेत्र है ना, इसी उत्तरी गंगा तटीय मैदान क्षेत्र में जो है कि देखिए इधर आप लोग देख लीजिए पंजाब, ये हरियाणा आपका, उत्तर प्रदेश, बिहार, और ये सारा क्षेत्र जो है असम वाला क्षेत्र अगर मैं बात करूं, कुछ पश्चिम बंगाल का भी क्षेत्र है, उड़ीसा का भी कुछ क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्रों में जो है कि इस मिट्टी का सर्वाधिक विकास है। ठीक है, तो आप लोग यहां से भी देख सकते हैं, आप लोगों के पास मैप होगा वहां से देख सकते हैं। उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि मैंने बताया आपका काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास आप लोग देख सकते हैं कहां पे है, ये आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, ये पिंक कलर वाली जो क्षेत्र है ना ये सर्वाधिक काली मृदा वाली है। इसमें आपका देखिए मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र का भी है, और इधर कर्नाटक वगैरह का भी क्षेत्र, आपका गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में इस मिट्टी का विकास है। ठीक है, उसके बाद से लाल मृदा की अगर मैं बात करूं तो लाल मृदा की अगर मैं बात करूं तो देखिए लाल मृदा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेड रेड आपको दिख रहा होगा, इन्हीं क्षेत्रों में इस लाल मृदा का सर्वाधिक विकास है। अब देखिए जो आपका आता है मरुस्थलीय मृदा, अगर मरुस्थलीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो इसको भूर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? भूर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इस भूर की अगर मैं बात करूं तो इसका विकास जो है सर्वाधिक अगर मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे जो है आपका मरुस्थलीय मृदा है, और ये मरुस्थलीय मृदा का जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना उसी क्षेत्र में सर्वाधिक इसका विकास होता है। और आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे विकास होता है ये क्षारीय मृदा भी कहे जाते हैं इनको, तो मरुस्थलीय मृदा को भूर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद से आपका नमकीन मृदा या की अगर मैं बात करूं या खरीफ मृदा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका जो है इसमें जो है कि इस मृदा की अगर मैं बात करूं तो इस मृदा में आपका सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। कहां पाई जाती है? सोडियम सल्फेट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। और इसमें अगर मैं बात करूं सर्वाधिक उत्पादन जो किया जाता है वो नारियल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। किसके लिए? नारियल के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। और ये जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, यानी भारत का जो तटीय क्षेत्र है उसी में सर्वाधिक इसका विकास है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो तटीय क्षेत्र है ना, इस तटीय क्षेत्र में सर्वाधिक इसका विकास है। ये पीली पीली आपको दिख रही होगी, ये सारा जो है कि तटीय क्षेत्र वाले भाग है और इसी में सर्वाधिक इनका विकास है। इसलिए जो है कि इस मृदा में सर्वाधिक जो है आपकी नारियल की खेती बहुत ज्यादा उपयुक्त मात्रा में होती है। अब देखिए पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो पर्वतीय मृदा की अगर मैं बात करूं तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि ये ऊपर का जो हिस्सा है ना, अगर जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर उत्तराखंड का कुछ हिस्सा और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा पकड़े हुए है, और अरुणाचल प्रदेश का ही हिस्सा कुछ पकड़े हुए, ऊपरी जो तिब्बत से टच है, और सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम के भी कुछ हिस्से में सर्वाधिक पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पर्वतीय मिट्टी में जो खेती होती है, जैसे आपकी अगर मैं बात करूं सेब की खेती होती है इस पर्वतीय मिट्टी में, अखरोट आप लोग सुने होंगे, अखरोट की सर्वाधिक विकास जो है कि पर्वतीय मिट्टी में ही होता है। तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आपका सर्वाधिक अखरोट होता है, सेब होता है। तो ये सारी मृदा जो है कि आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसके लिए? परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आशा करता हूँ कि आज ये मृदा का जो चैप्टर है आप लोगों को काफी मात्रा में समझ में आया होगा, काफी कुछ इसमें आप लोग सीखे होंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।